नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2020 में 5 बल्लेबाज जो इस बार यूएई में ऑरेंज कैप हासिल करने का दम रखते हैं दोस्तों, वो कौन से खिलाड़ी है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन आप आईपीएल 2020 को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि आईपीएल 2020 19 सितंबर से अपने फैंस का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और आईपीएल 13 का आयोजन भारत में कोविड-19 की स्थिति के कारण यूएई होने जा रहा है। यूएई के पीछे भारत से काफी मिलती जुलती है और कई बल्लेबाज अपनी मारक क्षमता दिखाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जो 5 बल्लेबाज है जो ऑरेंज कैप के लिए संभावित दावेदार होंगे, यह कैप टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों को दिया जाता है। और आइए देखते हैं कि ये 5 बल्लेबाज कौन से हैं। दोस्तों पहले खिलाड़ी है विराट कोहली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान आईपीएल 2019 में शतक बनाने के बावजूद उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया था। वास्तव में उन्होंने टूर्नामेंट के अंत में और अपना असली टच हासिल किया, लेकिन तब तक देर हो गई थी। हालांकि कोहली एक टॉप बल्लेबाज है और अभी भी एक आईपीएल सीजन में सबसे अधिक रनों का रिकॉर्ड रखते हैं, 973 रन जो उन्होंने आईपीएल 2016 में हासिल किया था। कोहली मैच को मोड़ने में काफ़ी सक्षम है और वह ऑरेंज कैप के हासिल करने के लिए एक वास्तविक दावेदार है। दूसरे खिलाड़ी है रोहित शर्मा। कोहली के समान रोहित शर्मा के लिए भी यह बल्ले के साथ एक मामूली सीजन था और कभी भी क्रीज पर सहज नहीं दिखे थे, लेकिन रोहित कप्तान के रूप में पैसा वसूल थे और जिसने मुंबई इंडियंस को अपना चौथा आईपीएल खिताब भी दिलाने में मदद की थी। और कोहली के विपरीत रोहित ने कभी ऑरेंज कैप भी नहीं जीती है। कोहली ने 2016 के संस्करण में ऐसा किया था। दरअसल सचिन तेंदुलकर मुंबई के एकमात्र बल्लेबाज है जिन्होंने ऑरेंज कैप जीती है। रोहित यह निर्धारित करने के लिए उत्सुक होंगे कि वे ऐसे दूसरे मुंबईकर बन सकते हैं। तीसरे खिलाड़ी है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ऑरेंज कैप के लिए कोई अजनबी नहीं है। वास्तविक में उन्होंने 2015, 2017 और 2019 में 3 बार ये कैप जीती है, जिसमें क्रमशः 562 रन, 641 रन और 692 रन बनाए थे। किसी भी खिलाड़ी ने वार्नर से अधिक यह सम्मान नहीं जीता है। क्रिस गेल उनके सबसे करीबी बल्लेबाज है जिन्होंने 2 बार पुरस्कार जीता है। सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज और कप्तान बढ़िया फॉर्म में दिख रहे हैं और वह इस बार ऑरेंज कैप के साथ अपनी टीम के दूसरे आईपीएल खिताब को भी कब्जा करने की उम्मीद लगाए बैठे होंगे। चौथे खिलाड़ी है केएल राहुल। राहुल हमेशा से ही आईपीएल में जबरदस्त रहे हैं और किंग्स इलेवन पंजाब में शामिल होने के बाद से तो उनकी घातकता बढ़ी है। वह आईपीएल 2020 में उनकी कप्तानी करेंगे। ऐसे में एक सवाल यह है कि क्या युवा राहुल अपनी टीम के प्रमुख बल्लेबाज और कप्तान होने के दोहरे दबाव को झेल सकते हैं। उनके पास ऐसा करने के लिए मजबूत दिमाग है और शायद राहुल टीम को अपना पहला आईपीएल खिताब दिलाने में मदद करेंगे और कप्तान के लिए ऑरेंज कैप सोने पर सुहागा होगा। दोस्तों पांचवें खिलाड़ी है शुभमन गिल। युवा और बेहद प्रतिभाशाली गिल के लिए एक तगड़ा सीजन हो सकता है। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ओपनिंग की है और कोहली को भी अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया है। डीन जॉन्स कह चुके हैं कि केकेआर को इस बार ओपनिंग के तौर पर शुभमन गिल के साथ जाना चाहिए। उनके पास ऐसा करने की क्षमता है और क्लास है। केकेआर उस तीसरे आईपीएल ट्रॉफी की तलाश में उनसे बड़े रनों के लिए उत्साहित होगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता हूं।